रोहन को अपने घर के बेसमेंट में एक पुराना नक्शा मिलता है जिसमें खजाने का पता रहता है। रोहन खजाने की तलाश में उस नक्शे के अनुसार एक जंगल में पहुंच जाता है। चलते चलते रोहन बहुत थक जाता है, तभी उसे सामने एक गुफा दिखाई देती है। रोहन उस गुफा के अंदर जाता है। रोहन जैसे उस गुफा में जाता है वो वहां रास्ता भटक जाता है और गुफा में फंस जाता है। रोहन उस गुफा से बाहर निकलने के लिए बहुत रास्ता ढूंढता है, तभी रोहन को सामने चार दरवाजे दिखाई देते हैं जिसमें पहले दरवाजे के पीछे चुड़ैल है, दूसरे दरवाजे के पीछे वैम्पायर है, तीसरे दरवाजे के पीछे जॉम्बी है और चौथे दरवाजे के पीछे बहुत ही खूंखार शेर है। ठीक 5 मिनट के बाद ही एक दरवाजा खुलता है, लेकिन रोहन को पता नहीं है कि कौन सा दरवाजा पहले खुलेगा। रोहन के पास उन चारों से लड़ने के लिए सिर्फ 4 चीजें हैं, जिसमें से उसे सिर्फ एक ही चीज चुननी है। पहला, एक बंदूक। दूसरा, एक बड़ा डंडा। तीसरा, एक कुल्हाड़ी। और चौथा, एक जलती हुई मशाल। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं रोहन को इन चारों में से कौन सी एक चीज चुननी चाहिए जिससे वो इन चारों में से किसी एक से भी लड़ सके? दोस्तों, आप अपना जवाब जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या पता लगा पाए कि रोहन को इन चारों में से कौन सी चीज चुननी चाहिए? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। बंदूक से रोहन जंगली शेर को तो मार सकता है, लेकिन बाकी बचे तीनों को नहीं। और वैसे ही डंडे और कुल्हाड़ी से वो सबसे लड़ नहीं सकता है, लेकिन आग से तो सभी डरते हैं। तो अगर रोहन मशाल चुनता है तो वो सभी से लड़ सकता है, इसलिए रोहन को मशाल चुनना चाहिए। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये पहेली पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रीना एक बहुत बड़े घर पर अकेली रहती थी। उसे वेकेशन के लिए बाहर जाना था, लेकिन वो अपना इतना बड़ा घर खाली छोड़कर नहीं जा सकती थी। इसलिए उसने मोना नाम की एक लड़की को अपना एक कमरा किराए पर दिया जिससे उसके घर की देखभाल भी हो सके। मोना रीना के घर आ जाती है। रीना जब वेकेशन के लिए जाती है तो वो मोना को घर की चाबी देती है और उसे हिदायत देती है कि वो उसके बेडरूम में ना जाए। इतना कहकर रीना वेकेशन के लिए चली जाती है। एक सप्ताह बाद जब रीना वापस आती है तो वो अपना बेडरूम देखती है तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि मोना उसके बेडरूम में कम से कम एक बार तो जरूर आई थी। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि रीना ने अपने बेडरूम में ऐसा क्या देखा जिससे उसे पता चल गया कि मोना उसके बेडरूम में आई थी? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि रीना ने अपने बेडरूम में ऐसा क्या देखा जिससे उसे पता चल गया कि मोना उसके रूम में आई थी? अगर आप रीना के बेडरूम की 20 जून की इमेज देखोगे तो उसमें टीवी का प्लग निकला हुआ है, और अगर आप 27 जून की इमेज देखोगे तो उसमें टीवी का प्लग स्विच बोर्ड में लगा हुआ है। इसका मतलब मोना रीना के बेडरूम में आई थी और उसने टीवी ऑन किया था। यही देखकर रीना समझ जाती है कि मोना उसके बेडरूम में आई थी। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से पार्ट डिफरेंसेस कौन से हैं? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, चलिए इसका जवाब देखते हैं। पहला डिफरेंस है ये, दूसरा डिफरेंस है ये, तीसरा डिफरेंस है ये, चौथा डिफरेंस है ये और पांचवा डिफरेंस है ये।
दोस्तों, आपने इनमें से कितने डिफरेंसेस ढूंढे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चीकू, अनु और अप्पू आज बहुत खुश थे क्योंकि जल्दी दीपावली आने वाली थी। उन्होंने अपने लिए गिफ्ट, कपड़े और पटाखों की लिस्ट बना ली थी। वो तीनों शाम को अपने पापा का ऑफिस से घर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में उनके पापा घर आते हैं। तीनों ही अपने पापा को कहते हैं, पापा हमें इस दीपावली में बहुत सारे गिफ्ट चाहिए। उनके पापा कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें गिफ्ट कपड़े तो ले दूंगा पर पटाखे नहीं। तीनों बहुत उदास हो जाते हैं। उनके पापा कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें पटाखे ले दूंगा पर मेरी एक पहेली का आंसर देने के बाद। तीनों कहते हैं, ठीक है पापा, आप पूछो पहेली। उनके पापा पहेली पूछते हैं, बताओ ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा बदलता रहता है? दोस्तों, इस पहेली का जवाब अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस पहेली का जवाब अप्पू देती है। पापा, इस पहेली का जवाब है टाइम क्या हुआ है। अप्पू का जवाब सुनते ही उनके पापा उनके लिए पटाखे लाने का वादा करते हैं। अनु, अप्पू और चीकू पापा को थैंक यू कहते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है। दोस्तों, क्या आपने भी यही जवाब दिया था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है। दोस्तों, क्या आपने भी यही जवाब दिया था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए जिसमें एक औरत का बच्चा, डॉगी और 1 करोड़ रुपए डूब रहे हैं। ऐसे मुश्किल और असमंजस भरी सिचुएशन में उस औरत को क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे किसे बचाना चाहिए, अपने बच्चे को, डॉगी को या 1 करोड़ रुपए को? दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में उस औरत को क्या करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट कीजिए। दोस्तों, क्या आपने जवाब कमेंट किया? मेरी राय से उस औरत को सबसे पहले अपने बच्चे को बचाना चाहिए, उसके बाद अपने डॉगी और पैसों को निकालना चाहिए। और वैसे भी डॉग अच्छे स्विमर होते हैं, वो खुद तैर के निकल सकते हैं, और कोई होशियार डॉगी अपने साथ साथ बाकी चीजों को भी बचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये तो हुई मेरी राय, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे सवाल पूछा था, ये कौन सी फिल्म है? और इस फिल्म का नाम है रंग दे बसंती। इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया है, उन सबका धन्यवाद। लेकिन हम सभी लोगों के नाम नहीं ले सकते हैं। उनमें से पहले 6 लोगों के नाम है प्रिया पीहू गोस्वामी, जी के गेमर, मोंडे कामिल, सनिका, प्रिया और राजवीर।
और आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे का सवाल है, सौरमंडल की खोज किसने की थी।